सारा खान, आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी। आइए देखते हैं आज की यह खास न्यूज। सूरत स्कूल सेक्टर 75 गुरुग्राम की प्रिंसिपल डॉक्टर सीमा आहूजा ने कहा कि शिक्षा ही सफल जीवन जीने का मंत्र है और शिक्षा ही हमें जीवन जीने का सलीका सिखाती है और हमें अच्छे बुरे का एहसास कराती है। लेकिन उन्होंने कहा कि शिक्षा पर सरकार के साथ साथ हम सभी को काम करने की ज़रूरत है और विदेशी शिक्षा की तरफ ना भागते हुए हमें अपने देश की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। और आज इस युग में सबसे दुखद बात यह है कि आज गुरु और शिष्य की भावना एक दूसरे के प्रति वो नहीं रही जो पुराने समय में रहा करती थी। साथ ही प्रिंसिपल डॉक्टर सीमा आहूजा ने बताया कि सूरत स्कूल IIT JEE की कोचिंग भी देता है और इस स्कूल की 7 ब्रांच हैं और लगभग यह 17 साल पुराना स्कूल है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सीमा आहूजा है और मैं सूरज 75 सेक्टर की प्रधानाचार्य हूँ। और मैडम, ये शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जा सकता है, इस संदर्भ में आपको विचार देना चाहेंगे? अगर बात शिक्षा की हो रही है, आजकल सभी तरफ यही चर्चा है कि हमें शिक्षा में बहुत से सुधार लाने चाहिए। हमारी सरकार भी इस तरफ जो है लगी हुई है कि कुछ ना कुछ सुधार आने चाहिए, पर आप सभी जानते हैं कि हर एक कदम पर अब एक स्कूल खुला हुआ है
और हर एक की अपना अपना हर एक का अपना अपना दर्शन है, हर किसी की अपनी अपनी फिलॉसफी है। अगर मैं सूरज स्कूल की बात करूं, और जो ये स्कूल का नाम है, आपने देखा होगा कि कोई सूरज पब्लिक स्कूल नहीं है या सूरज इंटरनेशनल स्कूल नहीं है, ये हमारे चेयरमैन हैं, उनके नाम से ही जो है हमने इस स्कूल का नाम रखा है। और हमारी एक एक जो मोटो है हमारा यही है कि प्रकाशमय कल के लिए, सूरज का काम ही है प्रकाश देना। और हम सब ये सोचते हैं कि हम सब नेशन बिल्डिंग की तरफ काम करें। अगर जो आजकल के जो अध्यापक हैं, जितने स्कूल हैं, वे सभी विद्यार्थियों को इस तरह का प्रशिक्षण दे रहे हैं, इस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि स्कूल जो है वो सभी एक तरह से नेशन बिल्ड करें, बच्चों को कुछ इस तरह के स्तर पर लाकर खड़ा करें कि उससे राष्ट्र का निर्माण हो पाए। तो हमारा भी कदम जो है उसी तरफ है, और यही सूरज स्कूल का दर्शन भी है और उनका मानना भी है। हम भी इसी तरफ लगे हुए हैं, और सरकार से भी हमारी केवल यही निवेदन है कि जिस तरह से उन्होंने कदम उठाए हैं उसी प्रकार से वह आगे बढ़ते रहें और इस तरह के स्कूलों को बढ़ावा दे, जो स्कूल वाकई ही कल बच्चों को फ्यूचर रेडी करें ना, भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। मैडम, नैतिक मूल्यों में गिरावट, जिम्मेवार कौन, शिक्षक, अभिभावक या समाज? नैतिक मूल्यों में गिरावट के लिए मेरे ख्याल से सभी जो है इसमें सभी की भागीदारी जो है इक्वल है। शिक्षक तो हम इतना नहीं कह सकते, अभिभावक मैं ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि आजकल जो है शिक्षा जो है वो घर से ही शुरू होती है। आप सभी जानते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी जो शिक्षा की जो पहली नींव होती है वो घर से शुरुआत होती है। आप जैसी नींव डालेंगे उसके ऊपर वैसी ही, जितनी मजबूत नींव होगी उसके ऊपर इमारत उतनी ही बुलंद बनेगी। तो ऐसे ही आप अच्छी वैल्यूज, अच्छे संस्कार अपने बच्चे को दें, और जब वो स्कूल में आता है तो शिक्षकों का भी फिर जो है उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, उतनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और फिर वह अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन आजकल देखा गया है कि अभिभावकों के पास बच्चों के लिए समय नहीं है, शिक्षक गण हैं उनके पास समय तो है पर फिर भी वो केवल नौकरी समझ के, इसको एक पेशा समझ के काम करते हैं। जबकि हम बात करते हैं कि जब हम विद्यार्थियों को पढ़ाएं तो पूरे पैशनेट होकर, कंपैशनेट होकर, उनके प्रति जो है पूरे प्यार से हम जिस तरह की शिक्षा की नींव डालनी चाहिए वैसी डालें। ऐसे सभी शिक्षक नहीं, मैं कहूँगी यौन शिक्षा को क्या पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, अगर हाँ तो किस क्लास से, अगर नहीं तो क्यों? यौन शिक्षा को हमें पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, और इसके लिए मैं आपको यही कहूँगी कि जो अभिभावक हैं वह बिल्कुल भी इसके बारे में चर्चा घर में नहीं करते हैं। जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं वो तो मैंने देखा है कि आजकल उनके यहाँ पर तो घर में डिस्कशन होती है, पर जो पेरेंट पढ़ा लिखा नहीं है वह बिल्कुल यौन ये शब्द भी जो है ना उनके लिए गाली के समान है, तो वो बिल्कुल भी इस बारे में चर्चा करते नहीं है। तो अगर स्कूल ने भी इस बात की जिम्मेदारी नहीं ली तो फिर बच्चों को इसका इसके बारे में बताएगा कौन? तो मुझे लगता है कि हाँ, स्कूलों को यौन शिक्षा के बारे में जानकारी विद्यार्थियों को देनी चाहिए, और इसकी शुरुआत जो है हमें लगता है कि जब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं और उनको थोड़ी समझ आने लग जाए तभी से हमें शुरू कर देना चाहिए। जब बच्चा तकरीबन 12-13 साल का होता है अपने, तब से ही इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। मैडम, आप सूरज स्कूल से जुड़ी हुई हैं, सूरज स्कूल क्या कुछ खास विशेष देता है छात्रों को? जैसा कि सूरज स्कूल का नाम है प्रकाशमय कल के लिए, ये वाकई में ही ऐसा स्कूल है जहाँ पे, ये स्कूल को हम एकेडमिक ओरिएंटेड स्कूल कहेंगे, अध्यापन व अध्ययन में बहुत ही ज़्यादा जो है उसकी इम्पोर्टेंस यहाँ पे रखी जाती है। और स्कूल का ऐसा मानना है कि जब हम बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट और ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, और अगर बच्चा एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग होगा, उसकी नींव बहुत स्ट्रांग होगी, तो अपने आप उसकी पर्सनैलिटी भी निखर कर सामने आ जाती है। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे बच्चे जो क्लासेस को अटेंड नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक हमारे पास एक अलग से ब्लॉक है। कोई ऐसे फीस में हम उनसे कुछ ऐसा लेते ही नहीं है, जितनी फीस है उतनी ही फीस में हम उनको वो पूरा IIT और NTSC और NDA का प्रशिक्षण देते हैं, उन्हें एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। और इस तरह से बहुत बार ऐसा देखा गया कि हमारे यहाँ पे ऑल इंडिया रैंकिंग में भी ये स्कूल के बच्चे जो हैं बहुत नाम करते हैं, और
अगर हरियाणा में कभी आप सीबीएसई में भी या नंबर वन स्कूल की बात करें एकेडमिकली, तो सूरज स्कूल का नाम आप सबसे ऊपर ही पाएंगे।